साथियों, हम जूलॉजी विभाग में हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार हमारा लक्ष्य बेहतरीन SSJU की दशा में निरंतर अग्रसर हैं। और आज हम यहाँ के हालातों को केवल छात्र समुदाय के सामने ही नहीं, अभी तो बहुत जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन और परिसर प्रशासन के सामने भी लाएंगे। इन हालातों को देखिए, सबसे पहले न जाने यहाँ कब से पेंट नहीं हुआ, कब से ये बहुत दुख देती है ये हालत। ये देखिए, न जाने कब ये चीज़ें टूट के किसी विद्यार्थी के सिर पर गिरे हैं। केवल विद्यार्थी के ही नहीं, किसी कर्मचारी के भी गिर सकती हैं, किसी शिक्षक के भी गिर सकती हैं। और ये हालात देखिए आप, पहले क्लासेस के हालात में आपको थोड़ी देर पे दिखाऊंगा। ना जाने यहाँ कब से पेंट नहीं हुआ, और यहाँ पर एक बागवानी थोड़ी सी की गई है, पौधे उगाए गए, लेकिन ये पौधे मुझे दिख नहीं रहे कहीं पर भी। एक पौधा दिख रहा है, इसके भी बहुत, मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास इन चीज़ों के लिए। ना जाने कब से यहाँ पर पेंट नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं आपको सीधे कक्षाओं की हालत भी दिखाना चाहूँगा। राहुल भाई यहाँ मौजूद है, साथी ये पंखे देखिए, ये इनका ये केवल लटकाए गए हैं, ये इनके साथ कोई इनकी फिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, केवल दिखाने के लिए केवल इन्हें लटका दिया गया है। जब आप करने की बारी आती है, पंखे मतलब चलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए आप, असलियत तो देखिए। और मैं, मुझे दुख होता है कि इतने सालों में इतनी छात्र संघ आई गई हैं, इतने प्रशासन के लोग आए गए हैं, इतने कुलपति आए और गए हैं, लेकिन किसी ने भी क्या इनके हालातों पर ध्यान दिया क्या? ये देखिए ना, इसका मैनेजमेंट का आप देखिए तो सही, ये केवल बस लटका दिए गए हैं। ये खिड़कियां हैं, टूटी हालत में ये खिड़कियां हैं। एक विश्वविद्यालय क्या कहें हम, तो और ऊपर देखिए, और बेकार हालत है ऊपर की, मतलब पूरा टूट रखा है, पूरा बता पानी का वो हो रहा है, मतलब पूरी दीवारें सीलन से पूरा हो रहा है और बेकार हालत है। साथियों, अभी म्यूजियम भी देख के आए, म्यूजियम की हालत कौन दिखाएंगे कि एक ऐतिहासिक म्यूजियम को किस तरह से रखरखाव की कमी के चलते बिल्कुल बहुत, ये देखिए ये हालात हैं। ये ऊपर देखिए, कब यहाँ से क्या चीज़ गिर के किसी की खोपड़ी में पड़े, किसी के सिर में लगे। केवल छात्र समुदाय की बात नहीं कर रहे, किसी कर्मचारी के भी हो सकती है, किसी शिक्षक के भी हो सकती है। और यहाँ से पानी भी पक का गिरता होगा, सच बात है। ये देखिए, ओहो क्या यार, बहुत दुख देती है ये हालत। कि क्या काम यहाँ पर छात्र संघों के द्वारा किए गए, क्या काम प्रशासनों के द्वारा किए गए। ये हालात देखिए साथियों, एक अच्छे खासे विभाग की किस तरह गत मारी जाती है। और ये है लैब, जूलॉजी का, जूलॉजी का लैब है। और ये यहाँ की हालत है, ये मतलब यहाँ से अगर बारिश आएगी ये सारी चीज़ें खराब होंगी, तो ये चीज़ें वैसी खराब होनी है। और इस साइड को देखो, ये देखिए, ये लैब है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और ये सर हैं यहाँ पे। लेकिन आप इसके मूल हालात को देखिए, जिनको हम दिखाना चाहते हैं ये चीज़, कब ये किसी के सिर पे आके गिरे, कब ये किसी के लग जाए। और इन हालातों को हम बहुत जल्दी केवल परिसर प्रशासन के सामने नहीं, कुलपति महोदय के सामने भी रखेंगे कि आखिर इतने सालों में यहाँ काम क्या किया गया है। और केवल यही नहीं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और ठीक वो वहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी दुख देती हैं कि कुछ भी, मतलब क्या होगा मतलब यहाँ का। ये देखिए झाड़ फूस, क्या ना जाने क्या चीज़ यहाँ से निकल रही है, कब गिर पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल इनका काम वीडियो बनाना है, लेकिन असलियत देखिए ना आप, बहुत जल्दी हकीकत को हम सबके सामने लाएंगे। आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन हमारा लक्ष्य बेहतरीन SSJU की दिशा में निरंतर अग्रसर है, और इसको हम देखेंगे। देखिए देखिए, उसके ठीक जहाँ पर ये चीज़ है, उसके ठीक नीचे स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, इस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन हालातों में सुधार किया जाना चाहिए, बहुत जल्दी इन हालातों को हम कुलपति महोदय के सामने रखेंगे। अच्छी खासी लैब है, आप देखिए नीचे देखिए, मतलब ओके रिपोर्ट है पूरी। टीचर्स के बैठने की व्यवस्था है, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल काम अपने जो भी हैं, मतलब संसाधनों में अपना पूरा अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन हालातों ने यहाँ को पूरे तरीके से बिगाड़ के रखा हुआ है। ये देखिए सीरन के कारण क्या यहाँ का माहौल है, हमें समझ नहीं आता। अभी वो राहुल भाई ने एक उसमें हाथ लगाया तो वो नीचे गिर गया, यहाँ का रहा था अभी आपको हमने दिखाई। और ये सब आप देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ के हालात हैं। ये देखिए।